नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एंड्रोजेंस क्या होते हैं और क्या इन हार्मोन्स के ज्यादा होने की वजह से औरतों में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है? एंड्रोजेंस एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है जिनमें शामिल हैं टेस्टोस्टेरोन और DHEAS, DHEA, एंड्रोस्टेरोन। इनके ज्यादा होने की वजह से औरतों में फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। महिलाओं में ये ओवरी से, एड्रेनल ग्लैंड से, फैट सेल से रिलीज होते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से डेफिनेटली फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन या ये एंड्रोजेंस की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से अंडा रिलीज नहीं होता ठीक से। ये ज़्यादा एंड्रोजेंस की वजह से इंसुलिन ज़्यादा होना देखा गया है, जिसकी वजह से अंडा रिलीज नहीं होता है। और ये इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से ओवरीज टेस्टोस्टेरोन फिर से ज़्यादा भी प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें अंडा रिलीज नहीं होना और पीरियड्स बहुत ज़्यादा दूर रहना ये देखा गया है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ईस्ट्रोजन लेवल्स ज़्यादा रहना देखा गया है PCOS पेशेंट्स में। ये मेजर कॉज है PCOS पेशेंट्स में वेट गेन के लिए, इरेगुलर या एब्सेंट पीरियड्स की वजह से, एक्ने या पिंपल्स होने की वजह, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, बहुत ज़्यादा बाल होना लड़कियों के चेहरे पे, हाथों में, ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया है PCOS पेशेंट्स में। तो अगर मैं कुल मिला के ये कहूँ कि अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं और आपके टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस, सारे एंड्रोजेंस के वैल्यूज का पता लगाएं और ये अगर ज़्यादा है ईस्ट्रोजन के साथ साथ, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है और आपके ओविलेशन या अंडे के रिलीज को भी रेगुलराइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी पा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।